बीजेपी विधायक हादसे में घायल हुए हैं। बड़ी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे, विधायक समेत तीन लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। विधायक उमा देवी जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए, जम्मू के पटेरा इलाके में हादसा हुआ, इस हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई। उमा देवी बीजेपी विधायक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, साथ ही कुछ तीन लोग इस हादसे में घायल हुए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे, दमोह से यहाँ पर पटेरा इलाके में हादसा हुआ, इस हादसे में बीजेपी विधायक उमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही विधायक उमा देवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। दमोह के पटेरा इलाके में हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक उमा देवी लेकिन तभी ये हादसा हुआ, हादसे में तीन लोग घायल हुए। अटल राजेंद्र जैन हमारे संवाददाता है, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने। अटल, सबसे पहले हालत के बारे में जानकारी दीजिए। बीजेपी विधायक घायल हुए, पटेरा के पास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर हालत बनी हुई है वो उनकी कार के चालक भगवान दास की बनी हुई है, जिन्हें अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पुत्री जिला पंचायत सदस्य बालिका खटीक को भी उसमें आई हुई है, लेकिन विधायक के और उनकी पुत्री की तुलना में चालक की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। लापरवाही किसकी थी इस हादसे के पीछे, ये अब तक पता चल पाया? हम आपको बता दें, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, आज पटेरा के भरतला इलाके में जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक अपनी पुत्री के साथ अल्ट्रो कार से जा रही थी। पटेरा हाई स्कूल के सामने जैसे ही इसकी कार निकल रही थी, अचानक सामने से ट्रैक्टर आकर बीच सड़क पर खड़ा हो गया। ट्रैक्टर के एकदम से सामने आ जाने के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन चंद कदम दूरी पर ट्रैक्टर के आगे खड़े हो जाने से कार जाकर सीधी ट्रैक्टर में घुस गई, जिस कारण से कार क्षतिग्रस्त हो गई। आनंद थाना में पीछे जो दूसरे वाहन और गाड़ी आ रही थी, उसमें के लोगों ने गाड़ी को उतार कर विधायक को बाहर निकाला, उसकी पुत्री को बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला। विधायक को पटेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया, वहीं 108 वाहन सेवा का उपयोग करते हुए तत्काल चालक को और उसकी पुत्री जो जिला पंचायत के सदस्य सारी के खड़े, इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर के चालक को क्या गिरफ्तार किया गया अब तक? अगर ट्रैक्टर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, और ट्रैक्टर का जो चालक है वो ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ गवार टाइप का व्यक्ति हो, जिसको ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता हो या ट्रैक्टर को चलाना सीख रहा हो, तभी एकदम से उसने बीच रोड पे ट्रैक्टर को लाके आराम करके खड़ा कर दिया। यदि ड्राइवर कार को कंट्रोल में नहीं करता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा हो सकता। जी बिल्कुल अटल, डॉक्टर से आपने बातचीत करने की कोशिश की है, उमा देवी को कब तक अस्पताल में रहना होगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी, उमा देवी कहते हैं कि फिलहाल तो पटेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके लिए मूंदी चोटें ज्यादा है, ऊपर से खून वगैरह नहीं निकला है, लेकिन ये अस्सी है, अभी बेहोशी की स्थिति में है। और इनके पति लालचंद फटीक से भी हमारी बात हुई, उसका कहना है कि संभवतः शाम तक या रात तक इसको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अटल राजेंद्र जैन, इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत।